महान स्वतंत्रता सेनानी, सर्वहितकारिणी सभा, पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला जैसे अनेक प्रकल्पों के संस्थापक और आजादी आंदोलन के सजग प्रहरी, अप्रतिम समाज योद्धा, जनसेवी, गोभक्त, पर्यावरण प्रेमी स्वामी गोपाल दास की पुण्य स्मृति में प्रारंभ वार्षिक स्वामी गोपाल दास पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी हनुमान सिंह बुडानिया को मरणोपरांत दिया जाएगा। चयन समिति के संयोजक दलीप सरावग ने बताया कि वरिष्ठ समाजसेवी हनुमान सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि वर्ष 2023 के लिए यह पुरस्कार स्वामी गोपाल दास के द्वारा जलाई गई आज़ादी की लौ को प्रज्वलित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी हनुमान सिंह बुडानिया को मरणोपरांत दिया जाएगा। समिति संयोजक सरावग ने बताया कि सोमवार 9 जनवरी 2023 को प्रातः 11:15 बजे स्वामी गोपाल दास की पुण्यतिथि पर गोपाल दास चौक पर सर्व हितकारिणी भवन के आगे स्थित स्वामी गोपाल दास की मूर्ति परिसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय हनुमान सिंह बुडानिया के परिजनों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर 15 अगस्त 1972 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी हनुमान सिंह बुडानिया को ताम्र पत्र भेंट कर सम्मानित किया और उनके योगदान को अमर बनाने के लिए भारत सरकार ने उनके नाम का शिलापट स्थापित करवाया। हनुमान सिंह बुडानिया का देहावसान 26 मार्च 1993 को चूरू के गाँव दूधवाखारा में हुआ। रतनगढ़ के उपकोष कार्यालय में आज उस समय बवाल मच गया जब उपकोष अधिकारी ने अधीनस्थ कर्मचारियों से असामान्य व्यवहार करते हुए मारपीट की। घटना के बाद उपकोष अधिकारी ने सभी कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकाल दिया और स्वयं को कार्यालय के अंदर बंद कर लिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई व पुलिस व प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना पर तहसीलदार बजरंग लाल, सब इंस्पेक्टर मानकलाल डूडी व एएसआई राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे तथा उपकोषाधिकारी से समझाइश कर कार्यालय का दरवाजा खुलवाया। इसी दौरान अधिकारी के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उपकोषाधिकारी ने कार्यालय का दरवाजा खोला, लेकिन मानसिक रूप से असामान्य होने पर पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। साथ ही कर्मचारियों ने बताया कि उपकोषाधिकारी का पिछले कुछ दिनों से व्यवहार बदला हुआ है तथा कार्यालय में आने वाले लोगों से भी खिन्नता में बात करते हैं। मेरे को सूचना मिली कि यहाँ रतनगढ़ उपकोषाधिकारी उमा शंकर शर्मा जी ने ट्रेजरी के अंदर ही अंदर की चिटकनी लगाकर गेट बंद कर दिया है, समस्त स्टाफ को बाहर कर दिया है। यहाँ आए तो स्टाफ बाहर था, पब्लिक थी, वो गेट खोल नहीं रहे थे। स्टाफ बाहर किसी एक व्यक्ति से बात भी करवाई, तब भी उन्होंने बात नहीं की और उनके फैमिली वालों ने भी बात की, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। श्रीमान चूरू से हमारे टीओ साहब ट्रेजरी ऑफिसर रामनंद जी भी आ गए थे, एसएचओ और उनकी टीम यहाँ आ गई, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला तो उनसे गेट खुलवाया गया। और गेट खोलने के बाद उनका जो बिहेवियर था वो साधारण होकर मेंटली डिस्टर्ब, अनाप शनाप बोल रहे थे, तो उनको यहाँ से हॉस्पिटल के लिए पुलिस के साथ भेजा गया। चूरू कलेक्ट्रेट में आज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने पेपर लीक होने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। आप पार्टी के जिला प्रभारी एसएम शंकर नारायण शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार में बीते 4 वर्षों में सरकारी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक होने से बेरोजगार युवाओं पर दोहरी मार पड़ी है। दरअसल एक बेरोजगार युवा सरकारी भर्ती के इंतजार के बाद हजारों रुपए खर्च करके तैयारियां करता है और परीक्षा वाले दिन पेपर लीक की खबर से भयानक रूप से आहत हो जाता है, जिससे कहीं न कहीं आत्महत्या या अन्य कोई गलत मार्ग का चयन कर लेता है। इसलिए आम आदमी पार्टी राजस्थान उपेक्षा करती है कि पेपर लीक प्रकरण में गहनता के साथ सीबीआई जांच करवाने की घोषणा कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाकर बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलवाने का काम किया जाए। इस मौके पर चूरू प्रभारी चंद्रशेखर, आदिल खान भोजराज, डॉक्टर संजू बाला शर्मा आदि मौजूद रहे। आज चूरू कलेक्ट्रेट पे आम आदमी पार्टी चूरू ने राजस्थान में लगातार एक के बाद एक हो रहे पेपर लीक के खिलाफ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है और जितने भी तहसील स्तर हैं उस पे आंदोलन जारी है। जैसे तारानगर में 3 दिन मौन आंदोलन था। ये सरकारें हैं जो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनका भविष्य खराब कर रही है और अपना एरिया ग्रामीण एरिया है, माँ बाप है, अभिभावक है, जो
इधर उधर से पैसे करके खेती करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम होता है खबर आती है पेपर आउट हो गए। इसलिए तमाम राजस्थान की जनता से निवेदन है, इन चोरों से, इन भ्रष्टाचारियों से, इन सरकारों से, इन विपक्ष से लड़ने के लिए हमें इकट्ठा होना होगा, हमारे अधिकारों के लिए लड़ना होगा, हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ हमें गाली देगी अगर आज हम कुछ नहीं करते हैं। और युवाओं से यही मांग है, अपने भविष्य के लिए लड़ो। पड़िहारा कस्बे के निकटवर्ती गांव हरासर में बाबा रामदेव गौशाला समिति द्वारा सोनी देवी की स्मृति में रविवार को 8 लाख रुपए की लागत से नव निर्मित प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया गया। दीवान सिंह भानीसरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा थे। समारोह में रामचंद्र गोदारा, सरपंच राजेंद्र सिंह, मालाराम कड़वासरा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान गोदारा ने भामाशाह भवनलाल खिलेरी का सम्मान किया। चूरू बालिका महाविद्यालय में नववर्ष पर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य आशा कोठारी एवं एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर निर्मला सैनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्राचार्य आशा कोठारी ने संबोधित करते हुए छात्राओं को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी एवं दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में व्याख्याता कविता पंसारी, रविन्द्र लाटा, विनीता मंगल आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य स्काउट व गाइड रतनगढ़ संघ का दल पाली जिले के रोहट में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेने के लिए रविवार की रात रवाना हुआ। इस दौरान संघ के प्रधान संतोष कुमारी इंदौरिया व जिला कमिश्नर भवनलाल डूडी ने बस स्टैंड पर दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संघ के सचिव नरेंद्र स्वामी ने बताया कि जम्बूरी में स्काउट मनीराम स्वामी, राजेश लंबोरिया व सुनीता सिहाग के नेतृत्व में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल आलसर, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सीतसर व भुआलका राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रतनगढ़ के स्काउट्स व गाइड्स भाग लेंगे। इस दौरान मार्च पास्ट, स्किलोरामा प्रदर्शनी सहित कई साहसिक गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा के निर्देशानुसार आज कलेक्टर सभागार में आयोजित आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक में जिले की बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। साथ ही संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण पर भी विभागवार चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला परिषद CEO PR मीणा ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अत्यंत गंभीर है तथा किसी भी माध्यम से मिलने वाली समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाना चाहिए। अधिकारी आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करें। बैठक के दौरान ACEO हरिराम चौहान, DOIT संयुक्त निदेशक मनोज गरवा, SE शिशपाल सिंह आदि मौजूद रहे। जिला एथलेटिक्स संघ चूरू के तत्वाधान में 27 व 28 नवंबर को आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित 13 एथलेटिक्स खिलाड़ियों को आज विधायक निवास पर ट्रैक सूट वितरित किए गए। एथलेटिक्स संघ के चेयरमैन वासुदेव चावला ने बताया कि नेशनल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय एथलेटिक्स एसोसिएशन भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को निःशुल्क सुविधा दी गई है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के सौजन्य से उक्त ट्रैक सूट वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधान दीप चंद्र राहड़, जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव ठाकुरमल शर्मा, कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष विनोद गढ़वाल आदि उपस्थित रहे। संघ के अध्यक्ष नरसिंह गौड़ ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 12 से 14 जनवरी को पटना बिहार में आयोजित होने वाली इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आज चूरू जिले की तरफ से इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल प्रतियोगिता में खेलने जाने वाले बच्चों को उपनेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब ने ट्रैक सूट देकर इन बच्चों को शुभकामना भी भेजी है कि ये बच्चे जाए और चूरू का भी नाम रोशन करें, राजस्थान का नाम रोशन करें। ये एक ऐसी प्रतियोगिता हो रही है जिसमें पूरे देश के जिले एक साथ खेलेंगे और इन बच्चों को एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश के लिए भी खेलने का इन बच्चों को मौका मिलेगा। आज पूरे चूरू जिले के खेलों से जुड़े हुए पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ इन बच्चों को शुभकामना संदेश देने आए हैं माननीय राठौड़ साहब की तरफ से और पूरे चूरू। इस प्रतियोगिता में किसी भी बच्चे का एक पैसा नहीं लगेगा, पूरे का पूरा पैसा भारत सरकार वहन करेगी। तो मेरा बच्चों से भी, जो खेलने वाले खिलाड़ी है उनसे भी मेरा आग्रह है कि किसी भी को भी कोई पैसे वैसे नहीं दे दे और इसका पूरे का पूरा आने जाने का और वहाँ रुकने का सारा खर्चा भारत सरकार वहन। भामाशाह किशन सारस्वत की ओर से आज जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय को लैपटॉप प्रदान किया गया।
सहायक निदेशक कुमार अजय को उन्होंने यह लैपटॉप प्रदान किया। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से सारस्वत का सम्मान किया गया। कुमार अजय ने किशन सारस्वत द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए दान कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अपनी मेहनत की कमाई को सार्वजनिक कार्यों में लगाना बहुत ही सराहनीय काम है। चूरू कलेक्ट्रेट में आज दूधवा खारा के ग्रामीणों ने गांव में उप तहसील के कार्य शुरू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। गांव के हनुमान प्रसाद मीठू शर्मा ने बताया कि गांव दूधवा खारा उप तहसील कार्यालय के वर्ष 2021 में भवन बनकर तैयार हो गया था। वर्ष 2012 में भवन की घोषणा की गई थी, लेकिन उप तहसील कार्यालय के भवन में आज तक कार्य प्रणाली शुरू नहीं की गई है, जिस कारण उक्त भवन की देखरेख भी नहीं हो रही है। वे आसपास के गांव के आमजन को अपना कार्य करवाने के लिए चूरू आना पड़ता है, जिससे गरीब तबके के ग्रामीणों को भारी नुकसान होता है। इस मौके पर समुद्र सिंह, तीर्थ प्रकाश, महेंद्र आदि मौजूद रहे। ज्ञापन है ये हम कलेक्टर साहब को दे रहे हैं। दूधवा खारा में उप तहसील की घोषणा 2012 में हुई थी, 2018 में इसकी प्रोसेस शुरू हुई, 2021 में इसका बिल भवन बन के तैयार हुआ। आज तक ये तहसील नहीं खुली, इसका पूरा स्टाफ जो है वो चूरू में कार्यरत है, सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उप तहसील दूधवा खारा आज तक ताला लगा हुआ है, वो आज तक बंद पड़ी है, आज तक उसमें कोई खुलने का नाम नहीं है। इसलिए हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं, सब गाँव ग्रामीण की तरफ से हम ये ज्ञापन दे रहे हैं कि ये कब खुलेगी, कैसे खुलेगी, इसके लिए हमें प्रशासन जितना जल्द हो सके जल्द बताए, वरना फिर हम आंदोलन का रास्ता पकड़ेंगे। हम लोग आंदोलन घर में सो रही 12 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए 45 वर्षीय व्यक्ति ने आज रतनगढ़ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बालिका के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि 31 दिसंबर की रात मोहल्ले का एक युवक उसके घर में घुस गया। वह घर में सो रही उसकी 12 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ की, तब बालिका ने शोर मचाया तो सबकी आंख खुल गई। वह घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवक को अपने साथ थाना लेकर आ गई। रतनगढ़ में पारिवारिक बात को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में हुई बोलचाल मारपीट में बदल गई। घटना के बाद दोनों पक्षों में जमकर लात घुसे चले, जिससे करीब 4 से 5 लोग चोटिल हो गए। घटना में घायल हुई एक किशोरी व एक युवती को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें चूरू रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार मकड़ीनाथ स्कूल के पास एक परिवार के दो पक्ष के बीच पारिवारिक बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो मारपीट की घटना में बदल गई। मारपीट में दोनों पक्षों के 4-5 लोग चोटिल हो गए, जिनमें वार्ड संख्या 14 की 18 वर्षीय पूनम एवं वार्ड संख्या 19 की 16 वर्षीय अंजलि घायल हो गई। ये सांसी समाज के एक ही परिवार के दो एक परिवार हैं सांसियों की, जो आपस में किसी बात को लेकर आपसे झगड़ा कर दिया, जिनका मुआयना डॉक्टर दे दी और सभी ने रिपोर्ट थाने में आकर करने का कहा है, जो आइंदा उपस्थित होने पर दस रिपोर्ट देंगे। सरदार शहर बाबेल चौक के पास आज शाम पिकअप की टक्कर से एक बीएड की छात्रा घायल हो गई। छात्रा बाबेल चौक पर बस से उतरकर अपने हॉस्टल जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस के चालक पंकज सिहाग और ईएमटी संजय खीचड़ ने घायल युवती को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। सूत्रों के अनुसार रतनगढ़ तहसील के जालेऊ निवासी 24 वर्षीय तारामणि पत्नी भादराम मेघवाल रतनगढ़ से बस में सवार होकर सरदार शहर आई थी। बाबेल चौक के पास बस से उतरकर गांधी विद्या मंदिर स्थित हॉस्टल जा रही थी कि सड़क पार करते समय एक अज्ञात पिकअप चालक ने टक्कर मार दी, वहीं चालक पिकअप सहित मौके से फरार हो गया। पिता की मौत की सूचना पर रतनगढ़ आ रहे बेटे की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। घटना का पता चलने पर परिजन मौके पर पहुंचे तथा पुलिस कार्रवाई के बाद शव लेकर रतनगढ़ पहुंचे तथा आज दाह संस्कार किया गया। मामले के अनुसार रतनगढ़ के बीनाबास मोहल्ले में 87 वर्षीय झाबरमल मेघवाल की 27 दिसंबर को स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। पिता की मौत की सूचना के बाद उनका इकलौता बेटा 53 वर्षीय शंकरलाल मेघवाल कोलकाता से रतनगढ़ के लिए बाड़मेर हावड़ा ट्रेन से रवाना हुआ। 31 दिसंबर को शंकरलाल बाड़मेर हावड़ा ट्रेन से रतनगढ़ पहुंचने वाला था, लेकिन गुड़गांव व रेवाड़ी के बीच पटौदी रोड जंक्शन के पास रेल पटरियों पर उसका शव मिला। परिजनों ने आशंका जताई है कि संभवतः ये उक्त हादसा ट्रेन से गिरने की वजह से हुआ है।